आपने जैसे कि पहले दिन आपने कहा था कि मैं नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने नहीं आया हूं, मैं नेपाली की हर नेपाली के मन में छुपी हुई जो सनातन की भावना है उसको जगाने आया हूं। आपने वाकई उस भावना को ओतपोत कर दिया, इस तरह से जगाया है कि अब कोई किसी की ताकत नहीं इसको सुला दे। मैं सबकी तरफ से आपको आपको विनती करता हूं कि इसी जगह पर शाश्वत धाम को आपने अपनाया है, नेपाल को आपने अपनाया है, यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार की एक प्रतिमा स्थापित की जाए, ताकि जैसे जैसे जानकी जनकपुर ने, जनकपुर की जानकी माँ ने अयोध्या को जोड़ा था, शाश्वत धाम बागेश्वर धाम को जोड़ पाए। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम इस काम में तत्काल लगेंगे। शाश्वत धाम का सारा मैनेजमेंट, सारी व्यवस्थापन मैं उनकी तरफ से आपसे विनती करता हूं। दूसरी मेरी एक विनती है कि एक शाश्वत धाम का एक छोटा सा भाग आपके विशाल बागेश्वर धाम में भी स्थापना की जाए, ताकि हर नेपाली का दिल वहां पर, हर नेपाली की धड़कन वहां पर बागेश्वर धाम पे बैठे और ये सिलसिला कभी खत्म ना हो, आपका आना जाना लगा ही रहे और अगली बार तो आप ऐसे आए कि जा ही ना पाए नेपाली को छोड़ के। क्योंकि नेपाल आपने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। आज विश्व में कितने कितने इस्लामिक धर्म के मुलुक हैं, कितने क्रिश्चियन कैथोलिक मुलुक हैं, 10 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां हिंदू की जनसंख्या आबादी किसी से भी ज्यादा है, लेकिन किसी ने ये बेड़ा नहीं उठाया कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को स्थापित करना है। ये बहुत बड़ा आपने अभियान उठाया है और उसकी शुरुआत आपने इस जगह से की। मैं सबकी तरफ से आपको नमन करता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ जितने लोग हैं और इस कार्यक्रम को जितने लोग देख रहे हैं वो सब आपके साथ जुटेंगे, क्योंकि उनकी भावना की बात, उनके मन की बात आपने कही है। मैं दोबारा इस आज के इस मौके में, लगता तो ऐसे है कि महाराज जी की बात कभी खत्म ही ना हो, वो चलती ही रहे, उनके कथा कभी खत्म ही ना हो, अंतहीन एक कथा का रूप ले, लेकिन क्या करें, हर सुंदर क्षण को एक बार के लिए विश्राम लेना पड़ता है। आज के लिए मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि उन्होंने आप हमी सबैलाई चाहिँ नि उनले आश्वासन दिनुभएको छ, विश्वास दिलाउनु भएको छ कि म फेरि पनि आउँछु, यो भन्दा पछि अर्को चोटि आउँदाखेरि अझ लामो बस्ने गरिकन आउँछु र त्यति मात्रै होइन, म बागेश्वर धामलाई जोड्ने गरिकन आउँछु र प्रत्येक नेपालीको घरमा सनातन धर्मप्रतिको आस्थालाई बाहिर निकाल्नका लागि, त्यसलाई अझ त्यो भावनालाई ओतपोत बनाउनका लागि, देशको खालि शाश्वत धाम मात्र नभइकन मुक्तिनाथदेखि पशुपतिनाथसम्म, पशुपतिनाथदेखि जनकपुरसम्मको यात्रालाई हामी अगाडि निरन्तरता दिन्छौँ। धन्य हो गए हम धन्य हो गए महाराज जी।